आज के टोटल मोबाइल फोन यूजर्स और पीसी यूजर्स दोनों के लिए है, क्योंकि जिन भी स्टेप्स का हम फॉलो करेंगे अपने आफ्टर इफेक्ट्स में आज की इस वीडियो का कलर करेक्शन करने के लिए, सेम उन स्टेप्स का हम फॉलो करेंगे कल अपने अलाइट वर्जन में, उसके अंदर देखेंगे कि हमारा क्या रिजल्ट निकल कर आता है। और जो मैंने लास्ट कलर करेक्शन वाली वीडियो अपलोड करी थी उस पर आप लोगों ने बहुत अच्छा सपोर्ट दिखाया, और उसमें हमने एक प्लगइन का यूज करा था जो कि था हमारा रेड जायंट का मैजिक बुलेट, और वो काफी लोगों के पीसी में इंस्टॉल नहीं हुआ, उसी की सॉल्यूशन वीडियो आज की ये वीडियो होने वाली है। आज हम किसी प्लगइन का यूज नहीं करेंगे अपनी मॉन्टाज वीडियो का कलर करेक्शन करने के लिए। और एक इंपॉर्टेंट बात, जो भी मैं ट्यूटोरियल्स अपलोड कर रहा हूँ ये एक तरह से सीरीज की तरह काम करेंगे, क्योंकि मेरे सारे ट्यूटोरियल्स किसी न किसी तरीके से एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। सो मैं एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दूंगा 2021 ट्यूटोरियल सीरीज करके, और उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। सो इस वीडियो के पहले भी मैं दो वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, एक में मैंने बताया कि अगर आपके पास पीसी नहीं है तो आप किस तरह से पीसी का यूज कर सकते हो, और दूसरी वीडियो में मैंने बताया कि आप आफ्टर इफेक्ट्स को लाइफ टाइम एक्टिवेट करके कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। तो इन दोनों वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इस वीडियो के बाद उन वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हो। सो सबसे पहले हमें एक नया कॉम्पोजिशन क्रिएट कर लेना है, और ये कॉम्पोजिशन एक तरह से एक प्रोजेक्ट है, जैसे कि हम क्रिएट करते हैं अपने काइन मास्टर और अलाइट मोशन में। तो कॉम्पोजिशन के अंदर जाके हमें एक न्यू कॉम्पोजिशन क्रिएट कर लेने हैं, और वेट और हाइट जो रेजोल्यूशन है हमारा HD रहेगा 1920x1080p, फ्रेम रेट हमारा 60fps रहेगा जो कि हमारा मेन होता है गेमिंग के लिए, और यहाँ से आप इसकी ड्यूरेशन चूज कर सकते हो कि आपकी वीडियो कितनी लंबी है, आप अपनी वीडियो के हिसाब से रख सकते हो, 1 मिनट की है, 1.5 मिनट की है, जितनी भी है। तो मैं 20 सेकंड है तो मैं इसको 20 सेकंड ही रखता हूँ, और उसके बाद मैं जैसे ही कॉम्पिटिशन हमारी क्रिएट हो जाए हमें इस प्रोजेक्ट वाले सेक्शन में आना है और डबल क्लिक करना है, और इसमें इंपोर्ट कर लेना है अपनी इस क्लिप को। ये क्लिप रही मेरी, तो आप कोशिश करना कि उसको डेस्कटॉप पर ही कॉपी कर लें ताकि आपके लिए उसको इंपोर्ट करने में आसानी हो। तो मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ, और जैसे ही इंपोर्ट हो जाए इसमें इसको मैं ड्रैग करके ड्रॉप कर देना अपने इस कॉम्पोजिशन वाले एरिया में। तो ये जैसे ही आ जाए हमारी यहाँ पर, ये देखिए हमारी ये वीडियो है। इसके बाद में इसके ऊपर हम फर्स्ट इफेक्ट अप्लाई करेंगे जो कि हमारा कर्व्स का। सो इस कर्व्स इफेक्ट्स एंड प्रीसेट वाले सेक्शन में आना है आपको, और सर्च कर लेना है कर्व्स, सो CURVES, तो इसको मैं सर्च कर लेता हूँ, और ये रहा। इसके बाद में इसको हम दो तरह से अप्लाई कर सकते हैं अपनी इस वीडियो के ऊपर, चाहे तो हम इसको डायरेक्ट अप्लाई कर दें इस वीडियो के ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप करके या डबल क्लिक करके, या हम एक काम और कर सकते हैं, इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं, और इस वीडियो के नीचे हम करते हैं राइट क्लिक और न्यू पे जाके एक नई एडजस्टमेंट लेयर ले लेते हैं, और उसके बाद में इस एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर हम ये सारे इफेक्ट्स अप्लाई कर देते हैं, ताकि हम देख सकें कि हमारा ये जो सारा कुछ हमने किया है ये बिफोर एंड आफ्टर कैसा हुआ है। तो नई एडजस्टमेंट लेयर हमें क्रिएट कर लेनी है, उसके बाद में इस कर्व्स को लाकर इस लेयर के ऊपर ड्रॉप कर देना है, या तो उस लेयर के ऊपर हमें सेलेक्ट करना है, उस कर्व्स के ऊपर डबल क्लिक कर देना है, और जैसे ही डबल क्लिक करेंगे ये इफेक्ट हमारा अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद में कर्व्स का हमारा मेन काम है कि कलर करेक्शन एक तरह से हम बोल सकते हैं, मेन इसी का है हमारा करना। तो ये जो RGB है, इस RGB सेलेक्ट करके अगर हम इस लाइन को नीचे करेंगे तो हमारी इस वीडियो की ब्राइटनेस कम हो जाएगी, और इंक्रीज़ करेंगे तो हमारी ब्राइटनेस इंक्रीज़ हो जाएगी, मतलब ऊपर करेंगे तो इसकी ब्राइटनेस इंक्रीज़ हो जाएगी। और इसी के अंदर हमें रेड, ग्रीन और ब्लू देखने को मिल जाते हैं, तो अगर हम रेड के ऊपर क्लिक करके इसको ऊपर करेंगे तो हमारा जो रेड टोन है वो रेड टोन आ जाएगा वीडियो के ऊपर, डाउन करेंगे तो रेड टोन कम हो जाएगा। तो यही है, तो ये सारी चीज़ें हम सेलेक्ट नहीं चूज़ करेंगे, तो इसे मैं रिजेक्ट कर देता हूँ। जस्ट RGB के ऊपर मैं जाऊँगा और इसको थोड़ा सा डाउन कर दूँगा ताकि थोड़ी सी हमारी इस वीडियो का डार्क पार्ट डार्क हो जाए। उसके बाद मैं जाऊँगा मैं ब्लू के ऊपर चूज़ करूँगा ब्लू, और ऊपर से ब्लू को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दूँगा ताकि थोड़ा सा ब्लू टोन आ जाए हमारी इस वीडियो के ऊपर। बाकी आप जिस भी कलर का टोन लाना चाहते हो आप ला सकते हो, रेड, ग्रीन या ब्लू, आप जो भी चाहो। उसके बाद में इसके ऊपर जो मैं इफेक्ट अप्लाई करूँगा वो है हमारा ग्लो वाला, तो डायरेक्टली मैं ग्लो अप्लाई कर दूँगा इसके ऊपर। सो यहाँ से मैं सर्च कर लूँगा ग्लो, सो इसके अंदर मिल जाएगा हमें, और ये रहा, इसको अप्लाई कर देता हूँ एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर। उसके बाद मैं जाऊँगा थ्रेशोल्ड के अंदर, और थ्रेशोल्ड इसका रख दूँगा अराउंड 79, और रेडियस मैं रख दूँगा 200। और उसके बाद में जस्ट हमारा इतना काम कंप्लीट हो गया। और आप अलाइट मोशन में ग्लो के लिए आपको स्टेप्स पता ही हैं जो कि हम देख लेंगे कल, और ऊपर कर्व्स की जगह पे हम उसमें ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट का यूज़ कर लेंगे। इसके ऊपर एक और इफेक्ट हम अप्लाई करेंगे जो कि हमारा कॉन्ट्रास्ट, तो मैं सर्च कर लेता हूँ यहाँ से ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट, ये रहा, इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ अपने एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर। ब्राइटनेस में हमें कुछ भी नहीं करना है, जस्ट कॉन्ट्रास्ट पे ऊपर हमें क्लिक करके 25 इंक्रीज़ कर देना है, और ये थोड़ा सा डार्क पार्ट हमारा और डार्क हो जाएगा। और हमें ध्यान देना है ग्लो के बाद इसको अप्लाई करना है। अभी लास्ट इफेक्ट हमारा बचा है जो कि है शार्पन, सो मैं शार्पन को अप्लाई कर देता हूँ, और इसके बाद में ये रहा। सो शार्पन को हमें अप्लाई कर शार्पन के ऊपर क्लिक करके इसको भी एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर ड्रॉप कर देना है, और शार्पन अमाउंट हमें कर देना है अराउंड 25। और ये सारा काम हमारा कंप्लीट हो गया, अब हम इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सो एक्सपोर्ट करने के लिए हमें सिंपली जाना है ऊपर फाइल पे और एक्सपोर्ट पे, और एक्सपोर्ट पे क्लिक करके ऐड टू रेंडर क्यू में इसको हमें ऐड कर देना है।
अगर आपका ये आफ्टर इफेक्ट्स सीसी है तो कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी कि रेंडर सेटिंग्स के अंदर तो हमें बेस्ट सेटिंग्स ही रखनी है। जस्ट हमें आउटपुट मॉड्यूल के अंदर देखना है कि यहाँ पर हमें मिलेगा एक क्विक टाइम। अगर आपका ये फोटोशॉप सीसी है और आपके में क्विक टाइम प्लेयर नहीं इंस्टॉल है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक क्विक टाइम प्लेयर की लिंक दी है जो कि 20 से 25 MB का एक सॉफ्टवेयर है। तो उसको डाउनलोड करके आपको अपने पीसी में इंस्टॉल कर लेना है, आपकी इस प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और फॉर्मेट के अंदर आपको एक क्विक टाइम देखने लग जाएगा, क्योंकि ये जो सारे फॉर्मेट्स हैं इसमें हमें H.264 नहीं देखने को मिलता, जो कि हमारा MP4 का फॉर्मेट होता है, और ये AVI में हमें सेव करना पड़ता है, तो बहुत ही 1-2 GB की वीडियो हमारी बन जाती है। तो यहाँ से हमें क्विक टाइम चूज़ करना है, उसको हमें जाना है फॉर्मेट ऑप्शंस के अंदर, और इसके अंदर हमें चूज़ करना है H.264। इसको यहाँ से चूज़ कर लेना है, और क्वालिटी हमें 100 ही रखनी है। लिमिट डाटा रेट को हमें इनेबल कर देना है और 12000 KBPS कर देना है, यानी कि 12 MB/s। उसके बाद में यहाँ से हमें ओके कर देना है, और ध्यान देना है यहाँ पे ऑडियो आउटपुट हमारा ऑटो रहे। अगर वीडियो में साउंड होगा तो एक्सपोर्ट कर देगा, नहीं होगा तो वीडियो को म्यूट कर देगा। तो ये सारी सेटिंग्स आपको ध्यान से देख लेनी है, और इसके बाद में ओके कर देना है, और आउटपुट टू पे जाके आपको सेलेक्ट कर लेना आपको इस वीडियो को कहाँ पे सेव करना है। तो मैं डेस्कटॉप चूज़ कर लेता हूँ, और इसका आप जो भी नाम चाहो रख सकते हो। उसके हम इस नाम को रख के सेव कर देना है, और जस्ट रेंडर के ऊपर क्लिक करके हम इसको रेंडर कर सकते हैं। सो अभी कल के कल ही एक दूसरी वीडियो अपलोड होगी जो कि होगी मोबाइल फोन यूजर्स के लिए, और जिन भी स्टेप्स का हमने फॉलो करा है अपने आफ्टर इफेक्ट्स में, सेम इन स्टेप्स का हम फॉलो करेंगे अपने लाइट मोशन में, उसको हमें देखेंगे कि हमारा क्या रिजल्ट निकल कर आता है। तो वो वीडियो अपलोड होगी कल 11 बजे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हो सके तो नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। सो जल्दी से मिलते हैं हम अपनी उस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।